भाई, चाहे वो टीडीएम मैच हो या क्लासिक मैच हो या फिर कोई कम्पिटिटिव मैच हो, अगर हक से कोई क्लोज रेंज बीस्ट है ना, तो वो है जोनी भाई। जो है वो जरूर से स्पैम किए जा सकते हैं। देखिए, इनको पता है कि एक खिलाड़ी यहाँ से दूर जरूर से मौजूद है, तो शायद यहाँ पे पूरी कोशिश रहेगी कि ओके क्या बेहतरीन ग्रेनेड हमें देखने को मिलता हुआ जॉनसन की साइड से। मैक्स ही यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं और अब टीम गॉडलाइक जो है वो एक बढ़िया पुश करते हुए नजर आएंगे। टीम लिए दूर गए थे, फिलहाल उनको पूरी तरीके से वहां से बाहर कर दिए गए इस फाइट से। जॉनसन थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे, मेरे ख्याल से स्पॉट कर दिया जाएगा एक प्लेयर को, जिहादी को यहाँ पे डाउन हो जाएंगे, लेकिन जॉनसन पीछे जाएंगे डाउन करेंगे, जो फिनिश है वो सिक्योर हो जाएगा। गॉडलाइक के दो खिलाड़ी डाउन हो चुके अभी के लिए, क्रैच गॉड एंड जॉनसन, ये दो खिलाड़ी बचते हैं। एंड वहां पर जो नॉक आउट प्लेयर है क्या उनको देवा मिल पाएगा वो देखने वाली बात है। मिस्टर सेबीन वाले यहाँ पे क्लोज जरूर से आए, लेकिन वो सोलो मैन स्टैंडिंग है, एक 1v2 का सिनेरियो उसमें जरूर से रहने वाला है, पर लेकिन बहुत मुश्किल क्योंकि जॉनसन जो है वो आगे की तरफ आएंगे एंड क्लोज रेंज में इनको निपटा पाना बहुत मुश्किल। दो फिनिशेस टीम गॉडलाइक के पास एंड एलिमिनेशन टीम रेकनिंग ई स्पोर्ट्स का।